दोस्तों 90 के दशक से बॉलीवुड पर राज करने वाले खलनायक यानी अनिल कपूर को तो हर कोई जानता है, जिन्होंने बॉलीवुड की ना जाने कितनी सारी फिल्मों में अपनी जबरदस्त एक्टिंग, गुड लुकिंग और डायलॉग बाजी से इस कदर सभी को अपना दीवाना बनाया है कि बॉलीवुड की कई अभिनेत्री उनकी दीवानी बन चुकी हैं और उन्हें बेहद पसंद करती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ बॉलीवुड की अभिनेत्रियां अभिनेता अनिल कपूर को पसंद नहीं करती, बल्कि उनमें से 8 अभिनेत्री तो उनकी इतनी दीवानी बन चुकी हैं कि उन्हें पाने के लिए न जाने कैसी कैसी हदें पार की हैं इन्होंने, जिसके बारे में सुनकर आप सभी के होश उड़े के उड़े रह जाएंगे। तो इसीलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड की उन्हीं 8 अभिनेत्रियों से रूबरू कराने वाले हैं, जो अभिनेता अनिल कपूर को पाने के लिए कई हदें पार कर चुकी हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं 8 खूबसूरत अभिनेत्रियों से। नंबर 1 पर है उर्मिला मातोंडकर। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम उस अभिनेत्री का शुमार होता है जिन्होंने फिल्म जुदाई में अनिल कपूर को पाने के लिए श्रीदेवी के साथ लाखों करोड़ों रुपयों का सौदा किया था। जी हाँ, उर्मिला मातोंडकर, जो कि अनिल कपूर के प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि वो रियल लाइफ में भी उन्हें चाहने लगी थी, इसीलिए वो अपने को स्टार अनिल कपूर को पाने के लिए उनकी वाइफ सुनीता कपूर को भी पैसे देने के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन अनिल जी तो अपनी पत्नी के प्यार में इतने पागल थे कि उन्हें उर्मिला मातोंडकर का प्यार तो दिखा ही नहीं। नंबर 2 पर है जूही चावला। दोस्तों, जैसा कि हमने फिल्म दीवाना मस्ताना में अनिल कपूर को अभिनेत्री जूही चावला के प्यार में पड़ते हुए देखा था, लेकिन उसके अपोजिट अभिनेत्री जूही खुद उनके प्यार में गिरफ्तार हो गई थी। जी हाँ, जूही चावला उनके प्यार में ऐसी पागल हो गई थी कि वो फिल्म मेकर से कम पैसे लेने को तैयार हो गई, लेकिन अभिनेता अनिल कपूर ने इनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। नंबर 3 पर है रंभा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने 1998 में आई फिल्म घरवाली बाहर वाली तो देखी होगी, जिसमें अभिनेता अनिल कपूर ने रंभा से दूसरी शादी की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसी फिल्म में काम करने के दौरान रंभा अभिनेता अनिल कपूर को मन ही मन पसंद करने लगी थी और उन्हें पाने के लिए रंभा ने खुद उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन अनिल कपूर ने इनका भी प्रपोजल ठुकरा दिया। नंबर 4 पर है करिश्मा कपूर। रिश्ते और बीवी नंबर 1 जैसी फिल्मों में अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने अनिल कपूर के साथ काम किया था और फिल्मों में काम करने के दौरान ये उनके प्यार में गिरफ्तार हो गई थी, जिसके चलते ये फैमिली तक को छोड़ने के लिए तैयार थी। नंबर 5 पर है श्रीदेवी। इस लिस्ट में खूबसूरत अभिनेत्री श्रीदेवी का नाम भी शुमार है, जो एक समय पहले अनिल कपूर के प्यार में पड़कर अपने हस्बैंड बोनी कपूर तक को छोड़ने के लिए तैयार हो गई थी, जबकि ये रिश्ते से अनिल कपूर की भाभी लगती हैं, लेकिन श्रीदेवी ने रिश्तों का लिहाज नहीं किया और अनिल कपूर के पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। नंबर 6 पर है रवीना टंडन। लाडला, बुलंदी और फिल्मों में अनिल कपूर के साथ काम करते मस्त मस्त अभिनेत्री रवीना टंडन भी एक समय पहले अपने को स्टार अनिल कपूर की दीवानी हो गई थी और उन्हें पाने के लिए इन्होंने फिल्मों के बड़े बड़े डायरेक्टरों तक से लड़ाई कर ली थी, क्योंकि वो अनिल कपूर के अलावा किसी के साथ काम करना नहीं चाहती थी। नंबर 7 पर है किमी काटकर। इस लिस्ट में अब नाम शुमार होता है बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा किमी काटकर का। आपको बता दें कि इन्होंने अभिनेता अनिल कपूर के साथ फिल्म इंतकाम में काम किया था और एक साथ काम करने के दौरान ये उनकी हर एक अदा पर इतनी फिदा हो गई थी कि इन्होंने खुद अनिल कपूर के लिए लव लेटर लिखा था और उन्हें सामने से प्रपोज किया, लेकिन अनिल जी ने इनकी तरफ कभी बुरी नजरों से नहीं देखा, जिसके चलते उन्होंने इनके ऑफर को ठुकरा दिया। नंबर 8 पर है माधुरी दीक्षित। जी हाँ, अब इस लिस्ट में आखिरी नंबर पर अपनी खूबसूरती से हमेशा सभी के दिलों पर राज कर रही अभिनेत्री माधुरी दीक्षित का भी शुमार है, जो अनिल कपूर को पाने के लिए अपनी सारी हदें पार कर चुकी है। जी हाँ, जब इन्होंने उनके साथ फिल्म राम लखन और तेजाब में काम किया था तो ये उनके प्यार में गिरफ्तार हो गई थी, जिसके चलते माधुरी ने अपनी फैमिली की पसंद से शादी करने से साफ मना कर दिया था। ये इतनी ज्यादा जिद पर अड़ गई थी कि शादी तो सिर्फ और सिर्फ अनिल कपूर से ही करूंगी, लेकिन अनिल जी ने इन्हें सिर्फ अपनी एक अच्छी दोस्त ही माना और इनके प्यार को ठुकरा दिया। वेल, दोस्तों, आप अभिनेता अनिल कपूर को कितना ज्यादा पसंद करते हैं, आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।